हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अमवी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, अपनी चल रही है क्लास इलेवंथ का फोर्थ चैप्टर अपना चल रहा है, जिसके अंदर हमारी जो आज की जो हेडिंग रहने वाली है, जिस चीज़ के बारे में आज पढ़ने वाले हैं उसके नाम की अगर बात करें तो उसे कहते हैं संकरण। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संकरण। उम्मीद कर रहा हूँ आप पीछे की क्लास को कंटिन्यू देख के प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ते आ रहे होंगे। तो संकरण देखिए क्या होता है। आपने सुना होगा कि जैसे अभी कोई बायोलॉजी में आप पढ़ते होंगे, संकरित बीज बना दिया कुछ ऐसे, मतलब कुछ संकरण कर दिया। जैसे आपने सुना होगा कि खच्चर देखा होगा आपने, ठीक है, खच्चर तो देखा होगा मार्केट में कहीं ना कहीं। तो वह क्या एक संकर प्रजाति है, क्या एक संकर प्रजाति है, अर्थात दो ऐसी प्रजातियों से मिलकर के एक नई प्रजाति को, दो कुछ चीज़ों को मिला करके एक नई चीज़ बना देना, वही क्या है संकर है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे कि संकरण क्या होता है। संकर ही संकरण है, संकर की सहायता से हम संकरण को देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, देखिए जैसे कि अपन ले लेते हैं कार्बन को ले लेते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक पता है प्यारे बच्चों कितना होता है? छः होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है अपना? छः होता है। अगर इसके हम इलेक्ट्रॉनों के जो हो सकते वर्गीकरण की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, दो चार के रूप में आएगा, क्या आएगा? 2s। पूरा लिख लेते हैं क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट में थोड़ा सा आपको अलग सा लगेगा। 1s2, 2s2, 2p2, ये होता है ना 1s2, 2s2, 2p2। एस में पहले पूरे भरे गए, फिर एस में पूरे, फिर पी में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे गए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए अगर इनके हम इस प्रकार से भर के देखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे? 2। और आपको पता है पी में देखिए दे रहे कितने, 1, 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो क्या है, अगर सामान्य स्थिति में हम कार्बन की बात करें वहाँ पे हम इस प्रकार से भर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक चीज़ नोट कीजिए कि अगर ये अपना इस कक्षा से 2s अपना एक इलेक्ट्रॉन पी को दे दें, एस अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है पी को दे, तो यह किस प्रकार की कक्षा हो जाएगी, किस प्रकार का हो जाएगा? अपूर्ण अष्टक कहते हैं या अर्धपूर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्धपूर्ण की अवस्था में आ गए। किस अवस्था में आ गया? अर्धपूर्ण। या आपने परिभाषा पढ़ी होगी अष्टक के नियम में कि अर्धपूरित या पूर्ण परित क्या होते हैं, कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनों को कभी डोनेट नहीं करते, कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने पूर्ण पूरित के जैसे अक्रिय गैस होती है वे होती है, तो यह अर्धपूर्ण की अवस्था में आ जाता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या कोशिश करेगा, यह कोशिश करेगा कि मैं इलेक्ट्रॉनों को क्या करूँ, साझा ही करूँ, ठीक है। देख समझ में आ गया मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस किस की सहायता से यहाँ पे भरा है। अब यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 1, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 3। अर्धपूर्ण करने के लिए अष्टक को यह चीज़ें भरी गई है कि सभी में क्या है अर्धपूरित हूँ भाई मैं। तो अगर आप कोशिश करो तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, स्टेबल हो सकता हूँ। अगर आप कष्टों की बात करें इससे, यहाँ से देखिए एस इस प्रकार से होता है, आपको पता है गोल सिखा चुका हूँ, ठीक है। पी की बात करें तो एक तो पी आपको पता है ऐसा देखने को मिलता है, एक पी ऐसा देखने को मिलता है, और एक पी इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है ना, एक ऐसा, ये एक पी आ गया, ये वाला पी, ये पी एक्स पी वाई पी जेड, कोई भी पी, किसी को भी आप पी एक्स पिक कर लीजिए, किसी को पी वाई पिक कर लीजिए, किसी को भी पी जेड पिक कर लीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब संकरण क्या होता है, अब देखिए जब यहाँ पे ये क्या है एस है, उसके साथ में क्या हो रहा है पी जेड, क्या हो रहा है पी जेड का संकरण हो रहा है, क्या हो सकता है पी जेड का क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो हमें क्या मिल सकता है, हमें इस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इस प्रकार की एक संरचना हमें क्या हो सकती है प्राप्त हो सकती है। चलिए अब इसको परिभाषा के द्वारा सीखते हैं कि लिख लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं चलो परिभाषाओं को, कि ऊर्जाओं के कम अंतर के समान क्या लिखेंगे, ऊर्जाओं के कम अंतर के समान परमाणु के कक्षकों को मिलाने की वह समान परमाणु के
के कक्षकों को मिलाने की वह क्या करने की मिलाने की वह परिघटना जिसमें क्या हो रही है, घटना हो रही है, परिघटना हो रही है, तो क्या लिखेंगे, वह परिघटना जिसमें वे अपनी ऊर्जा का क्या करें, वे अपनी लिखित लेते हैं यहाँ पे, आपसे बात करते करते फ्लो का क्या हो जाता है, कुछ बार कॉम्बिनेशन टूट जाता है, वे अपनी ऊर्जा का क्या कर ले, पुनर्वितरण क्या कर ले, पुनर्वितरण कर क्या हो जाते हैं, नवीन कक्षक बनाते हैं। अब क्या हुआ, निर्माण हो गया किसका, नवीन कक्षक का, तो नवीन निर्मित क्या कह रहे हैं हमें यहाँ पे, जो नए बन रहे हैं उन्हें क्या कह रहे हैं, नवीन किसी का नाम नहीं है यहाँ पे, नवीन क्या है, नए बनने वालों को, तो क्या कह रहे हैं, जो नवीन निर्मित कक्षक हैं, क्या हैं, नवीन निर्मित कक्षकों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संकर कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब परिभाषा आपको समझ में आएगी कि ये तो क्या है हमारे पास, कि सबसे पहले देखिए, ऊर्जाओं के कम अंतर के समान परमाणु कक्षकों को मिलाने पर, ये क्या है, ऊर्जाओं के कम अंतर के समान परमाणु हैं को मिलाने पर पुनर्निर्मित कर, पुनः वितरण कर समान ऊर्जा व आकृति के नवीन कक्षक बनते हैं। इनकी ऊर्जा वह क्या है, आकृति क्या है, समान है, तो इन्हीं कक्षकों को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इन्हें ये क्या कहते हैं, संकरित कक्षक या संकर कक्षक कहते हैं। तो यही क्या है, संकरण है, यही क्या है हमारे पास प्यारे बच्चे देखने को मिल रहा है, हमें संकरण देखने को मिल रहा है। अब और हम क्या कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं, अपने पास क्या गैप है अच्छा खासा, तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो संकरण तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, सीख लिया। अब जो संकरण है उसके महत्वपूर्ण लक्षण देख लेते हैं, तो हेडिंग लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण, के महत्वपूर्ण लक्षण, संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण, ठीक है। सबसे पहला लक्षण हम देख लेते हैं, हम यहाँ पर क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं कि जो संकरण कक्षकों की जो संख्या होती है, संकरण कक्षकों की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन से कक्षक इसमें क्या कर रहे हैं प्यार बच्चों, भाग ले रहे हैं, तो भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के क्या होते हैं, संख्या फीमेल है तो फीमेल के लिए होती है लिख लेते हैं। चलो अब देखिए क्या है, हमने यहाँ पे क्या देखा, वनस ने भाग लिया, एक तो क्या था वनस था और दो क्या थे टूपी थे, कितने कक्षक भाग लिए, टोटल तीन क्या बने, संकरित कक्षक बने। उसी तरह से अगर एक वनस भाग ले,
एक वन पी भाग ले तो क्या बनेगा, दो क्या बनेंगे, संकरित कक्षक भाग लेंगे प्यारे बच्चों, क्या लेंगे, संकरित कक्षक बनेंगे। तो दो भाग जितने होंगे उन दोनों की संख्या हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। जितने संकरण से पहले भाग ले रहे हैं उतनी ही संख्या क्या होगी, संकरण के पश्चात होगी, जिनके निर्माण होगा उतनी ही संख्या उसके पश्चात होगी। दूसरी बात लिख लेते हैं, पहली बात हमने क्या लिखी, संकरण कक्षक या संकरण कक्षकों की संख्या संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात लिखते हैं कि संकरण कक्षक सदैव समान ऊर्जा व आकार के होते हैं, क्या होते हैं, संकर कक्षक सदैव समान ऊर्जा व आकार के होते हैं, क्या होते हैं, समान ऊर्जा व आकार के होते हैं। ये क्या हो गया, हम कह रहे हैं संकर के के दूसरा लक्षण हो गया। उसके बाद अगर हम क्या बात करें, तीन नंबर कक्षण की बात करें, तो हम क्या कह सकते हैं कि संकरण कक्षक स्थायी आबंध से, जहाँ क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि संकरण कक्षक स्थायी आबंध बनने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा क्या करते हैं, अधिक सक्षम होते हैं। यही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि संकर कक्षक क्या होते हैं, स्थायी आबंध बनाने में, क्या बनाने में, स्थायी आबंध बनाने में क्या लिखेंगे, शुद्ध कक्षकों, किसकी बात कर रहे हैं, शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक क्या होते हैं, सक्षम होते हैं अधिक। ये वैसे महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको याद रहनी चाहिए, मेन बातें हैं, ऐसे पता होना चाहिए कि संकरण कक्षक समान ऊर्जा आकार के होते हैं, संकरण कक्षक स्थायी आबंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। और बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, चार नंबर पे लिख सकते हैं, नंबर लगा लीजिए, कोई बात नहीं है, कि संकरण कक्षक होते हैं वे क्या होते हैं, स्थायी अवस्था पाने के लिए, संकरण कक्षक क्या करते हैं, स्थायी अवस्था पाने के लिए, जो संकर कक्षक है वो स्थायी अवस्था पाने के लिए त्रिविम में विशिष्ट या विशेष लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिविम, किसमें, त्रिविम में, त्रिविम आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिविम में विशिष्ट दिशाओं, क्या करते हैं, विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित होते हैं, क्या होते हैं, विशिष्ट दिशाओं में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, निर्देशित होते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए संकर कक्षक का प्रकार, इसलिए संकर कक्षक का प्रकार क्या होता है, अणु की ज्यामिति दर्शाता है, क्या दर्शाता है, अणु की ज्यामिति को दर्शाता है, ज्यामिति दर्शाता है, क्या करता है, अणु की ज्यामिति दर्शाता है, दो है यहाँ पे लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सीखे हमने, संकरण की मुख्य महत्वपूर्ण लक्षण सीखे, चलिए इसको नोट करते हैं, फिर संकरण की महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखेंगे। ये चीज़ें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, फिर हम देखेंगे कुछ संकरणों के टाइप्स पढ़ेंगे या जो अपनी बुक में दिए गए हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप क्या कीजिए, जल्दी से उसके किस संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। थ्योरी में थोड़ी सी अपने को ज़्यादा बोल्ड पर बार बार स्लाइड बदलने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या, नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, है क्या है अपना, संकरण की मुख्य परिस्थितियाँ, क्या हैं, संकरण की मुख्य परिस्थितियाँ, संकरण की मुख्य परिस्थितियाँ, क्या, मुख्य परिस्थितियाँ, सही लिख देते हैं इसको अपना, थोड़ा सा मात्रा की दिक्कत आ गई, परे स्थितियाँ, संकरण की मुख्य परिस्थितियाँ, ठीक है।
अब पहली परिस्थिति देख लेते हैं। पहली परिस्थिति में क्या देखते हैं कि परमाणु के संयोजकता कक्ष के कक्षक संकरित होते हैं। किसके? संयोजकता कक्ष, या संयोजकता कक्ष संयोजी इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा था, वही आप क्या कह सकते हैं, संयोजकता कक्ष कहते हैं जो संयोजी करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, उन्हें वही क्या करते हैं, संकरण करते हैं। तो परमाणु के संयोजकता कक्ष के या कक्ष के कक्षक क्या लिखेंगे, परमाणु के संयोजकता कक्ष के कक्षक क्या होते हैं, संकरित होते हैं। कक्षक क्या होते हैं, संकरित होते हैं। संकरित थोड़ा सा सही कर लेना यहाँ पे। दूसरी बात करें अगर हम, तो क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, अपन बात कर रहे हैं संकरित होने वाले कक्षकों की, तो क्या लिखेंगे, संकरित होने वाले कक्षकों की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा, संकरित होने वाले कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, लगभग समान होती है, लगभग समान होनी चाहिए। ऊर्जा क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। उसके अगर हम बात करें तो संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन नहीं होता, मतलब उत्तेजित होना आवश्यक नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, उत्तेजित हुआ, उत्तेजित होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक परमाणु ने निकाला, निकालने के लिए उत्तेजित होना आवश्यक है, ग्रहण किया तो उत्तेजित होगा तो ही निकला है, ग्रहण होगा, लेकिन जब संकरण करने के लिए उत्तेजित होना आवश्यक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन नहीं है, या उत्तेजन होना, उत्तेजित होना आवश्यक नहीं है, किस भी लिख लीजिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि जो विलगित परमाणु हैं हमारे पास, जो हम बात कर रहे हैं विलगित परमाणु के कक्षकों में, परमाणु के क्या बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, कुछ बोर तो नहीं हो रहे, संकरण की क्या परिस्थितियाँ पड़ रही हैं। तो विलगित परमाणु के कक्षकों में संकरण नहीं होता है, संकरण नहीं होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं कि आवश्यक नहीं है कि केवल अर्धपूर्णत कि यह आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है कि केवल अर्धपूरित कक्षक ही, अर्धपूरित समझे ना, अभी हमने कार्बन को देखा था वह क्या था, अर्धपूरित था, कक्षक ही संकरण में भाग ले, क्या ले, अर्धपूरित कक्षक ही संकरण में भाग ले। कभी कभी क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कभी कभी संयोजकता कोष के पूर्ण, कभी कभी संयोजकता कोष के जो पूर्ण रूप से खाली है, पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण खाली कक्षक भी क्या कर लेते हैं, संकरित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, संकरित हो जाते हैं या संकरित हो सकते हैं। तो ये तो हमने क्या पढ़ी, संकरण की कुछ मुख्य यहाँ पर परिस्थितियाँ देखी कि किन किन परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि संकरण हो सकता है, क्या हो सकता है कि संकरण होने के लिए किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, किन किन परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि संकरण हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, संकरण के प्रकार, क्या पढ़ेंगे, संकरण के प्रकार की चर्चा करेंगे, क्या क्या प्रकार के संकरण हो सकते हैं। जैसे हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ेंगे sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d4, sp3d3, sp3d3, इस प्रकार के, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या पता है कि s व p कक्षकों का संकरण देख लेते हैं, किसका देखते हैं, s व पी कक्षकों का
संकरण देख लेते हैं। अपने पास इतनी जगह होगी कि मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वह नहीं समझ पाएंगे आप यहाँ पे। तो आप इतना नोट कीजिए, संकरण के प्रकार यहाँ से आ गया एसवाईपी कक्षकों का संकरण। यहाँ पे आप जल्दी से लिखिएगा, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ जल्दी से प्यारे बच्चों, तो कि जो चीज़ें हैं वो आपको मैं समझा सकूँ। क्या लिखा आपने? आपने लिखा कि संकरणों के प्रकार, उसके बाद क्या लिखा? एसवाईपी कक्षकों के संकरण। क्या लिखा? एसवाईपी कक्षकों के संकरण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जो हमारे परमाणविक कक्षक हैं, परमाणविक कक्षकों की बात करेंगे। उसके बाद संकरण का क्या लिखेंगे? संकरण कक्षक लिखेंगे, किस प्रकार का संकरण कक्षक बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास एक तो क्या है S है, वह एक ही क्या है P है, एक ही हमारे पास S है, एक हमारे पास P है। P आपको पता है, देखिए ये है अपना S, S में एक ही बॉक्स होता है। P में आपको पता है कितने होते हैं? एक दो तीन होते हैं। अगर D की बात करें तो पांच होते हैं ना, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, ये है। तो P में कितने हो सकते हैं? अधिकतम तीन आ सकते हैं, S का अधिकतम एक हो सकता है और D का अधिकतम पाँच हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किस प्रकार का बनेगा? एस पी, क्या बनेगा? एस पी। तो इस कक्षक को क्या कहेंगे, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस संकरण को क्या कहेंगे, सॉरी बच्चों, इस संकरण को क्या कहते हैं? एस पी, एस पी संकरण कहते हैं। कब कहते हैं? जब एक एस व एक पी भाग ले रहा हो। फिर क्या लिखेंगे? एक तो एस वे भाग ले रहा है लेकिन पी यहाँ पे कितने हो गए? दो। किस प्रकार का संकरण बनेगा? एस एक है, पी कितने हैं? दो। तो इस प्रकार के संकरण को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? एस पी टू। इसे क्या कहते हैं? एस पी टू संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एस पी टू संकरण, ठीक है, यही अपने प्रकार है। एस पी, एस पी टू, एस पी थ्री, बस यही प्रकार पढ़ेंगे अब, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए S का तो एक ही होगा, P के अधिकतम कितने हो सकते हैं? तीन हो सकते हैं, तो यहाँ से तीन ले लेते हैं P। तो यहाँ से जो संकरित होकर कक्षक बनेगा क्या बनेगा? एस पी थ्री। तो इसे क्या कहेंगे? एस पी थ्री संकरण। क्या कहेंगे? एस पी थ्री संकरण। उसके बाद देखिए एक S है, तीन P है और एक D है, तो क्या बना? इससे निर्माण हुआ एस पी थ्री डी संकरण का। किसका? एस पी थ्री डी। वैसे आगे चलता जाएगा क्या बनेगा? एस पी थ्री डी टू, एस पी थ्री डी थ्री, एस पी थ्री डी फोर। फ्रेम में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जितने आए आप देख लीजिए, आगे आप देख सकते हैं एस पी थ्री डी फाइव, एफ सी थ्री डी सिक्स, एस पी थ्री डी सेवन। बन सकता है? नहीं बन सकते हैं, यही चीज़। एस पी थ्री डी फाइव तक बनेंगे, उसके बाद क्या आ जाता है? डी के बाद एफ आ जाता है। एफ में कितने ब्लॉक होते हैं? सात ब्लॉक। कितने ब्लॉक होते हैं? सात। तो डी एफ कहाँ तक जाता है? सेम, ये बड़ी बातें हैं, बड़ी कक्षा की हाईली। अपने को तो अधिकतम जाएंगे ना, तो एस पी थ्री डी तक चले जाएंगे। अधिकतम बात करते हैं तो एस पी थ्री डी टू की बात करनी। इससे ज़्यादा अपने को झमेला नहीं पालना ही नहीं है। अपने इससे ज़्यादा क्या करना नहीं है? अपने को झमेला पालने का ही नहीं है प्यारे बच्चों। मैं तो कहता हूँ यहीं में पालते हैं अपन, यहीं पे नहीं पालते हैं। यहाँ पे इतना ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने सिलेबस में अपने यहाँ पे एक बार इतना ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आज हमने क्या सीखा? संकरण लक्षण देख ली, परिस्थितियाँ देख ली संकरण की कुछ, और संकरण के प्रकार देख ली प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अपने को अच्छे से चीज़ें हैं वो रिलेट कर पाए होंगे आप अच्छे से। कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न चल रहा है पोर्शन अपना, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, यह बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। तो बस उम्मीद करता हूँ कुछ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास में इतना ही, कुछ बड़ी क्लास नहीं लेंगे, जो प्रकार है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब अपने पूरे प्रकारों को डिटेल से पढ़ेंगे, संकरण के प्रकारों को आगे वाले क्लास में। तो मिलते हैं आगे वाले क्लास में। अगर पसंद आइए तो अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए? इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आगे वाले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।